वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस दीपिका दीवान और मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका। और जो ये आज का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास में है रिव्यू के लिए, लेवेंडर फेशियल स्प्रे है जो कि एज ए टोनर आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर एंटी स्ट्रेस डिप्रेशन जो भी होता है, मतलब आपको स्ट्रेस को बूस्ट अप करता है लेवेंडर की जो खुशबू होती है, तो ये बेसिकली उसके लिए प्रोडक्ट है। और आप इसे एज ए हेयर स्प्रे और एज ए फेशियल स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो है अरोमा मस्क का, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और एक्चुअली मेरा बेबी भी साथ साथ में रिव्यू कर रहा है। तो ये जो है प्रोडक्ट वो नो केमिकल 100% नेचुरल नो एनिमल टेस्टिंग इसके ऊपर मेंशन है। और इसकी जो MRP है वो है 299। और इसका जो ये अल्कोहल फ्री है, केमिकल फ्री है, आज मुझे रिव्यू नहीं करने देगा, और पैराबीन फ्री है। तो बेसिकली मुझे ये टोनर बहुत पसंद है। इस पे लिखा है लेवेंडर वाटर कैन ऑफर सूदिंग प्रॉपर्टीज टू नेवर एंड ये नर्व्स एंड रिगार्डेड एज ए माइंडेड, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, बट कमाल का प्रोडक्ट है। मैं इसे यूज करती हूँ अपने फेस पे डेली। और इस तरह से आप आईज बंद करके आफ्टर फेस वॉश या कभी भी जब आपको मन करे फेशियल टोनर यूज करने का, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक वाओ, इसकी खुशबू ना बड़ी अच्छी है, मुझे सबसे अच्छी खुशबू लगी इसकी। मैं मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार यूज कर लूँ, जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो मैं इसको सारे टाइम अपने फेस पे स्प्रे करती रहूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यूज अच्छे लगते हो, और भी मैं आप लोगों के साथ में मेरे जो वीडियोज हैं वो शेयर करूंगी जल्दी ही। बेसिकली ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो शूट करूं, तो मैं ट्राई करूँ मेरी तरफ से आप लोगों को, मैं आपके मेरे जो सारी कलेक्शंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज्वेलरी मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आप कोई भी आपकी जो स्किन क्वेरीज हो वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में एज पॉसिबल एज नेचुरल चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। मैं अपने आप को एज ए नेचुरल चीजों से ज्यादा ट्रीट करती हूँ, केमिकल चीजों को थोड़ा कम मैं प्रीफर करती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ में इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन इस वजह से कर पाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी प्रेगनेंसी में, उसके बाद में मैंने अपने स्किन को कैसे ट्रीट किया है। और गाइस बहुत जल्दी मेरी स्किन ट्रीट हो गई है। मैं आपको मेरी पहले की जो पिक्चर्स है वो शेयर करूंगी जरूर किसी दिन, मुझे जब भी टाइम मिलता है मेरे वीडियोज पे आप देखेंगे। मुझे इस एरिया पर बहुत ज्यादा पिंपल थे, अभी भी कुछ कुछ निशान मुझे हल्के रह गए हैं। ये मेरा पूरा फेस पिंपल से, एक्ने से और स्पॉट से भरा था। तो मैंने बहुत सारे केमिकल्स, तो आप जानते हैं प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए जितने केमिकल्स आप अपने फेस पर अपने स्किन पे, ज्यादा केमिकल फ्री चीजें यूज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपको स्किन केयर बताऊंगी और कैसे मैंने अपने आप को ट्रीट किया बेसिकली आफ्टर डिलीवरी, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट बाय, तब तक के लिए।